नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात करें तो ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों इनका बिजनेस जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है तो जाहिर सी बात है शेयर के दाम भी तो ग्रो होगा। आज मार्केट काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश हुआ, उसके बाद भी ये शेयर 4% 5% का ग्रोथ दिखा रहा था। यानी आप खुद ही सोच सकते हैं कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। और खासकर जब भी मार्केट गिरता है तो पीएसयू उस कंपनी जो होती हैं वो सबसे बुरी तरीके से गिरती हैं, लेकिन अगर उसमें भी कोई कंपनी काफ़ी ग्रोथ दिखा है तो इसका मतलब है उसके पीछे का जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। दोस्तों अगर आज के इसके क्लोजिंग की बात करें तो आप देखेंगे ये शेयर आज क्लोज हुआ था 52.50 रुपये पे। ग्रोथ की बात करें तो 4% 5% के ग्रोथ के लिए दिखा रहा था। अगर वहीं बात करें 52 वीक हाई और लो की तो आप देखेंगे 19 रुपये 15 पैसे 52 वीक लो है, जो कि 25 मार्च 2020 को बना था। अगर वहीं 52 वीक हाई की बात करें तो आप देखेंगे 56 रुपये 50 पैसे 10 मार्च 2021 को बना था, और इस टाइम ये शेयर 52 रुपये 50 पैसे चल रहा है, यानी 56 रुपये के आसपास ही चल रहा है। और हो सकता है जल्दी ये अपना नया 52 वीक हाई भी बना ले। अगर इसमें डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 11.82% की डिलीवरी उठाई गई है, 1,87,21,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस से उठाई गई है। न्यूज़ की बात करें, न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस शेयर के लिए, क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से ये लगातार इनके अंदर न्यूज़ आते जा रहे हैं, नए नए कॉन्टैक्ट इनको मिलते जा रहे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसी के पीछे ये शेयर इतनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और नए अपने 52 वीक हाईस लगाता जा रहा है। अगर लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो आप देखेंगे इन्होंने बिड किया हुआ था कहाँ पे, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन टर्बाइन आइसलैंड पैकेज प्रोजेक्ट के अंदर, और इन्होंने सबसे लोवेस्ट जो कि बीडर थे, अगर बीडर की बात की जाए तो इन्होंने सबसे लोवेस्ट बीड किया है, और इसी कारण इनको हो सकता है बीड मिला भी हो। और बीड जैसे ही मिलता है तो जाहिर सी बात है बिजनेस ग्रो हो जाएगा, तो इसीलिए ये शेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अगर बीड की क्वांटिटी यानी कि जो अमाउंट की बात आप देखेंगे 10,800 करोड़ का है ये बीड, यानी काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अगर वहीं बात करें इसमें जो क्या पावर सप्लाई का, तो आप देखेंगे 6 × 700 MW यानी मेगावाट की बात हो रही है। तो देख सकते हैं आप खुद ही इसका डिटेल, तो देख लेते हैं और डिटेल। दोस्तों और डिटेल की बात करें तो एक साल में ये शेयर आपको 115.95% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। एक महीने की बात करें तो 25% का रिटर्न, मेरे ख्याल से एक महीने का रिटर्न ही काफ़ी है इस शेयर के लिए अगर इसको खरीदने की बात की जाए। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों ये शेयर पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा करेक्ट हो रहा था, लेकिन आज इसमें फिर से मूवमेंट देखने को मिला, पॉजिटिव मूवमेंट। और ये शेयर अपने 5 दिनों के ईएमए के नीचे आ चुका था, जो कि अभी भी नीचे चल रहा है। 5 दिनों का ईएमए की बात करें तो 52.66 रुपये का है, और इस टाइम ये सेल मिल रहा है 52.50 रुपये पे। यानी कि ये थोड़ा सा इनके लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, बट मेरे ख्याल से नहीं लगता कि ये कोई बड़ा खास रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि अभी भी 52.66 रुपये 15-16 पैसे के नीचे है, और ये जल्दी लेवल तोड़ देगा, उसके बाद ये शेयर उसके ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसमें टारगेट की बात करें, जिस हिसाब से पूरा मार्केट क्रैश हो रहा है कोरोना वायरस के कारण, मुझे लगता है कि अभी जल्दी में इसमें भी करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा होल्ड करें इस शेयर को, और ये शेयर अभी आपको जल्दी 40-45 रुपये के आसपास मिलेगा, क्योंकि अगर मार्केट 2-4 दिन और कंटिन्यू मार्केट में 2-4 दिन और ऐसे ही करेक्शन कंटिन्यू रहा तो मुझे लगता है ये शेयर भी काफ़ी नीचे आएगा, उसके बाद आपको 35-40-45 रुपये तक का भी ये शेयर देखने को मिल जाएगा, उसके बाद इस शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि शेयर अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी थोड़ी सी अंडर प्रेशर जिससे आप पूरा का पूरा मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो वैसे में तो सभी शेयर करेक्ट होंगे। अभी हो सकता है ये शेयर थोड़ा सा ऊपर ग्रो रहा है और अपने 52 वीक हाई के पास भी चल रहा है, तो मुझे लगता है थोड़े करेक्शन आ जाने दीजिए, उसके बाद खरीदारी करिए ताकि आपको एक अच्छी वैल्यू बाइंग देखने को मिल जाए, और मार्केट उसके बाद अगर करेक्ट भी होता है ताकि आपको बहुत बड़ा लॉस का सामना न करना पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 35-45 रुपये तक का टारगेट देखने को मिलेगा अगर मार्केट 2-4 दिन और करेक्ट हो जाता है तो, यही शेयर जो कि 52.50 रुपये पर इस टाइम चल रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये शेयर आपको सस्ते में भी खरीदारी का मौका मिलेगा, और जब मौका मिले तो उस टाइम मौके पे जरूर चौका लगाएं, ताकि क्योंकि दोस्तों जब मौका मिलता है तो उस टाइम ये सोचने से मत बैठिए कि ये शेयर और नीचे जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो आप इंस्टॉलमेंट बांट लीजिए, यानी अपने कैपिटल को 2-3 इंस्टॉलमेंट बनाइए। पहला इंस्टॉलमेंट आप लगा दीजिए, दूसरा अगर उसके नीचे गया तो फिर लगाइए, नीचे नहीं गया तो अच्छी बात है, आप एक इंस्टॉलमेंट में जो आपको बचे हुए शेयर यानी जो मिले हुए शेयर है उसके पैसे तो बढ़ेंगे, तो इस बात की खुशी भी की जा सकती है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।